कुशीनगर के भाजपा नेता को मिली धमकी। हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज। ओपी मिश्रा ने तिरपट्टी में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कुशीनगर के रहने वाले एक भाजपा नेता को शनिवार की दोपहर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर और वीडियो कॉल करके धमकी दी गई है। भाजपा नेता की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ से व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक ओपी मिश्रा तिरपट्टी थाना क्षेत्र के बेनीबहार पहुंचे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 1:30 उन्हें व्हाट्सएप ऐप पर वीडियो कॉल कर धमकाया गया। फोन करने वाले व्यक्ति ने ओपी मिश्रा को भाजपा छोड़कर विपक्षी दल को ज्वाइन करने के लिए कहा। भाजपा नेता के मना करने पर आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए। इसके बाद करीब 1:29 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। इसमें आरोपी ने ओपी मिश्रा के परिवार को नुकसान पहुँचाने की बात लिखी है। हजरतगंज के थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि ओपी मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कर रही है? ये रात को 7 तारीख के रात को 1:30 के आसपास एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको और आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे और इसमें खालिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कही गई है। उसके बाद इसमें बीजेपी आरएसएस मंत्रीगण और इंडियन आर्मी को लेने की बात कही गई है और उसके बाद फिर से एक बार पूरे परिवार को जान संभालने की धमकी दी जाती है। भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है उसको भी निशाने पर लेने की बात की गई है। उसके बाद दिन में भी 1:30 ये भी जान से मारने की धमकी दी गई है और व्यक्ति लगातार ये कह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो और कांग्रेस ज्वाइन कर दो और मिश्रा तुम भाजपा छोड़ो और कांग्रेस ज्वाइन करो नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। क्या इस संबंध में क्या शिकायत है? इसके बाद तुरंत मैंने हजरतगंज थाने में लिखित कंप्लेन दर्ज किया। वहाँ मैं थाने घुस गया। लिखित कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस विभाग ने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अभी मेरी एसएचओ से बात हुई है, उसका कहना है कि FIR दर्ज कर लिया गया है और